नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण गोदारा आप सभी लोगों का सारदाबाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास टेंथ के मैथ्स के बारे में बात करूंगा। मैथ्स में आपका सबसे जो बड़ा पार्ट्स होता है आपका वो कैलकुलेटिव पार्ट्स होता है। कैलकुलेटिव पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए आपको मैथ्स में या गणित में आपको गणनाएं आनी चाहिए। गणनाओं में भी मुख्य रूप से आपके कोई भी दो संख्याओं का दो संख्याओं से गुणा करना या तीन संख्याओं का तीन संख्याओं से गुणा करना, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। चलिए आज अपन बात करते हैं किन्हीं दो संख्याओं का किन्हीं अन्य दो संख्याओं के साथ गुणा करने की आसान विधि के बारे में। जैसे अभी तक आप जो गुणा करते आ रहे हैं वो सिंपल आप इस तरीके से गुणा, जैसे 55 को आपको गुणा करना है 44 से, तो अभी तक जो आप गुणा करते आ रहे हो वो हम ऐसे ही करते हैं। पहले 4 को 5 से करते हैं, यानी 4 को 5 से करते, 5 चौक 20 की सुम असला की 2 और 5 चौक 20 और 2 22। फिर इसी तरह वापस इसको गुणा करते हैं तो 220 आता है। तो आपका आंसर जो आता है आपका 242, यानी कि 2420 आपका आंसर आया। अब इसी को मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको गुणनखंड करके बताता हूँ। जैसे 55 को 44 से गुणा करना तो आपको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहला काम होता है आपको इसको ऐसे गुणा करना होता है, फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे करके दोनों को जोड़ना होता है, फिर लास्ट में आपको ऐसे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 को 4 से करो, 5 चौक 20 और कैरी आपका यानी हासिल की कितनी होगी 2। ये ऐसे हो गया एरो वाला। अब इसको इससे गुणा करना 5 चौक 20 और इसको इससे करना है 5 चौक 20। 20 20 को जोड़ लो कितना हो गया 40, 40 और 2 42, हासिल आ गई 4। अब इसको वापस इस एरो से कर लो 5 चौक 20, 20 और 4 24। सिंपल आपका एक लाइन में आपका सॉल्यूशन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12 को 13 से गुणा करना है तो अपन 2 सेकंड में इसके आंसर निकाल सकते हैं। पहले इसको इससे करो 3 × 6, फिर इसको इससे करो और इसको इससे करके जोड़ दो, 3 को 1 से किया तो 3, 2 को 1 से किया तो 2, 3 और 2 5, फिर 1 को 1 से कर दो, 156 आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह आपका, जैसा मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, 43 को आपको गुणा करना है 33 से। सबसे पहला काम होता है इसको इससे करो 3 को 3 से, तो आपका आंसर आएगा 9। उसके बाद 3 को 3 से करो 9 और 4 को 3 से करो 12 और 12 9 आपका कितना हो जाएगा 21 और फिर आप आंसर लागी 2 और फिर इसको इससे कर दो 4 3 12, 12 आपके कितने हो गए 2 14, तो 1419 आपका आंसर आ गया। सबसे पहले ऐसे करना है, फिर आपको इसको इससे करके जोड़ना है, फिर लास्ट में आपको ऐसे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा टफ कैलकुलेशन लेता हूँ, जैसे 59 को आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 58 से, कितना हो जाएगा, पहले इसको इससे करो 9 × 72, हासिल लागी 7। उसके बाद अपन बात करते हैं इसको 8 को 5 से करते हैं 40 और 9 को 5 से करते हैं तो 45, 40 और 45 85, 85 और 7 आपका हो जाएगा 92, हासिल लागी 9। ये ऐसे हो गया, ऐसे भी हो गया, अब फाइनल आपका बचा ये 5 5 25, 25 और आपका 9 हो जाएगा 30 4 34, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3422। ये आपका किन्हीं दो संख्याओं का दो संख्याओं से गुणा करने का आपका आसान मेथड्स होता है, बस इसी को आपको फॉलो करना होता है। धन्यवाद।